सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रखें। मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी लोग एक घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट को अपने लंग को मजबूत कर रहे हो, अपने हर पेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन दे रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक से। दोस्तों आज का जो टॉपिक है सैटरडे सेशन, उसको समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं आज आज की तारीख में, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि प्रॉब्लम जिस चीज के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो सबसे 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 भयंकर ऐसा प्रॉब्लम है जो प्राकृतिक व्यवस्था हजारों करोड़ों साल से चलती आ रही है, जिसमें करोड़ों जीव बसते आ रहे हैं। उस पूरी व्यवस्था को पिछले 150-200 सालों में हम लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। और इतने जिस स्पीड से हम लोग आगे जा रहे हैं, अगर ऐसा ही स्पीड चलता रहेगा तो आगे क्या होगा ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा प्रॉब्लम आज हमारे सामने। दोस्तों 10-12 साल पहले तक भी इंडिया को, भारत को ऐसा लगता था कि हम ट्रॉपिकल कंट्री, उष्णकटिबंध में हम लोग रहते हैं, तो हमें इस ग्लोबल वार्मिंग से डरने की जरूरत नहीं। वो तो उनको डरने की जरूरत है जो जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जो टेम्परेट उस कंडीशन में रहते हैं, कोल्ड कंडीशन में रहते हैं। लेकिन अभी सच्चाई यह है कि जो भी दुनिया के सभी जो देश है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई देश है तो उसमें से पांचवा नंबर है भारत का। यानी 190 देश में अपना भारत देश पांचवें क्रमांक पे है। पहला है जापान, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है मादागास्कर और पांचवा है हमारा भारत। और सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि सबसे ज्यादा इसका प्रभाव, इसका परिणाम किसके ऊपर होता है? गरीबों के ऊपर हो रहा है। जो अमीर है, जो मध्यम वर्गीय है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा जिनको फर्क पड़ता है, सबसे ज्यादा जिनका नुकसान होता है, वो है हमारे पुअर्स। अभी मैं आपको एक आंकड़ा बोलता हूं कि पिछले साल अम्फन नाम का एक तूफान आया था हमारे भारत में, पश्चिम तटीय और पूर्व तटीय ऐसे राज्य। तो पूर्व तट के जो ओडिशा और बंगाल राज्य है, उस पे ये अम्फन नाम का तूफान आया था। एक इंटरनेशनल एजेंसी, अगेन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने ये गेस किया कि कितना नुकसान हुआ इसका। तो लगभग $17 बिलियन यानी 1,27,500 करोड़ इतना नुकसान भारत का हुआ। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। ओडिशा में पूरा प्रशासन पूरी तरह से काम करके उन्होंने सभी लोगों को वहां से निकाला टाइम में, तो कोई जीवित हानि नहीं हुई। लेकिन जो हानि हुई वो भी इतनी बड़ी हानि है, 1,27,000 करोड़ की। दोस्तों समझिए आप कि पिछले साल इसके साथ ही निसर्ग करके पश्चिम तट पे भी तूफान आया था। इस साल पश्चिम तट के ऊपर वो तौके करके आया, इस साल ओडिशा और बंगाल में यास करके आया। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रदेश है कि जिन्होंने कभी बाढ़ देखा नहीं था, वो बाढ़ के अंदर है। जिन्होंने कभी सूखा नहीं देखा था, वो सूखा है। हम लोग पहले ये सोचते थे कि सिर्फ बंगाल में, सॉरी बिहार में वो बाढ़ बहुत आती है, वहां कोसी नदी है और बाकी सब कुछ। लेकिन क्या आप सोच रहे हैं, कोई ये अंदाजा कर रहा है, कोई ये लिख रहा है, कोई अकाउंटिंग कर रहा है कि कितना खर्चा, कितना नुकसान आज हमारे देश को हो रहा है? और अगर उस चीज से हम लोग जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश को हो सकती है। हम बोलते हैं कि पूरे दुनिया का तापमान 1.25 डिग्री बढ़ा है, लेकिन जैसा भी मैडम ने कहा कि हमारे पृथ्वी के ऊपर 71% तो पानी है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा ये पानी सोख लेता है, और बची हुई जो जमीन है उसमें से भी सभी जगह 1.25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, कहीं जगह तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा डिग्री बढ़ गया है। ओवरऑल हम लोग बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया का तापमान 1.25 डिग्री बढ़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप अपने गांव में भी जाओगे, अगर आप जहां रह रहे हो वहां देखोगे कि पिछले साल कितनी गर्मी थी और आज कितनी गर्मी है। और ये ऐसे ही, अभी ये इसकी वजह से अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टर और सबसे वर्स्ट, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव और परिणाम हुआ है, वो सेक्टर बिजनेस का कौन सा रहेगा? तो हमारा कृषि है। तो इसीलिए कृषि के आधारित जितने सारे लोग आज इसके ऊपर काम कर रहे हैं, किसान हो, वो सबसे ज्यादा प्रभावित इसके वजह से हुए। दोस्तों अगर हम लोग इकोनॉमिक की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा नुकसान हमारे भारत को हो सकता है।
सिर्फ हम लोग दिखाते नहीं, बोलते नहीं, इसीलिए हमें ये पता नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज्यादा हमें हमारे ऊपर परिणाम या प्रभाव हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि सभी लोग नींद में है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी हानि हो रही, इतना बड़ा संकट आज हमारे सामने है और इतने सारे लोग, करोड़ों लोग इससे जूझ रहे, इसके बारे में ना कोई लिखता है, ना कोई दिखाता है, ना इसके बारे में कोई सोचता है, ना इसके ऊपर कोई काम करता है, तो लोगों को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। दोस्तों हमें लेकिन इन लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि कितना बड़ा ये संकट आज हमारे सामने है। और इसके लिए ये बिजनेस तो एक अलग बात है, सबने मिलके ये काम करना चाहिए और इसीलिए करना है सैटरडे सेशन। दोस्तों क्या आप सोच सकते कि ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि अगर हम लोग 15 साल तक हमको लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, 10 साल तक पहले तक हमें ऐसा लगा कि थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा है, और पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो बहुत फास्ट ये सब कुछ डेवलप हो रहा है, और ऐसे ही सब चलता रहेगा तो हमारा भविष्य आगे कैसा होगा। दोस्तों सब बहुत ज्यादा, ये जो फ्लड, ये जो बाढ़, ये जो सूखा आप देख रहे हैं, ये बढ़ेगा। कोरोना जैसे कई करोड़ों सूक्ष्म जीव आज हमारे पर्यावरण में है, और ये पर्यावरण का संतुलन जिस तरह से हम लोगों ने बिगाड़ा है, ये सब जीव जंतु अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में, यानी हमारे शरीर में, बदन में आ सकते हैं और ऐसी बीमारियां फैल सकती है। ये जो धरती माँ, इसने इतने साल, करोड़ों साल से सभी जीव जंतुओं को जो बराबर संभाल रही है, उनका ख्याल रख रही है, उसको हम लोगों ने बुरी तरह से बर्बाद करके रखा है। और इसलिए हो सकता है कि कोरोना के ऊपर भले ही लस आए, लेकिन ऐसे कई सारे ऐसे जीव जंतु, कई सारे ऐसे बीमारियां हो सकती है। दोस्तों हम बचपन में सुना करते थे कि हार्ट अटैक यानी बूढ़ेपन में आने वाली बीमारी है, कैंसर यानी जब लोग बूढ़े होते तब उनको कैंसर होता है। आज 30s में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, 30s में लोगों को असाध्य ऐसे कैंसर हो रहे हैं। ये भी एक चीज है जो बता रही है कि थिंग्स सभी मायनों में अगर आप देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम, ये फॉसिल फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स का परिणाम सभी जगह हो रहा है, और दिन ब दिन हम लोग ये खराब करते जा रहे हैं। और ये अगर स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे, अगर आप सच्ची में रियलिटी देखोगे, तो ये एक्चुअली बर्बाद कर रहा है सभी चीज को, दिन ब दिन। कोई इसके ऊपर लिखता नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस ऑयल एंड गैस, बहुत ज्यादा लोगों को पैसा लगाया, और वो फिर से अभी भी वो खनिज ईंधन लोगों को बेच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन ज्यादा हर दिन हो रहा है, और हर दिन हम लोग इस प्रॉब्लम को बढ़ा ही रहे हैं। और अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर बिजनेस है, जब मैं हमेशा बोलता हूं कि ओला बढ़ गया क्योंकि ओला ने एक सोल्यूशन हमें दिया है, पेटीएम बढ़ा क्योंकि पेटीएम ने एक सोल्यूशन दिया, अमेजोन बढ़ा क्योंकि अमेजोन ने सोल्यूशन दिया, तो दोस्तों सोचिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे कभी नहीं लगता कि हम लोग बिजनेस कर सकते, क्योंकि जो चीज हम लोग कर रहे हैं, करने वाले हैं, जो मकसद, जो विजन और मिशन हमारा है, वो किसी पैसे के साथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। इस तरह से हमें काम कर रहे हैं। अगर हमारी ये पूरी जो फैमिली है, एमसीएल परिवार है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, एक तो हम लोग एनजीओ नहीं चला रहे, ये बिजनेस है, ओके, तो इसमें आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना प्रॉफिट, इतना रेवेन्यू, ये सब होने ही वाला है, ये कंपलसरी है। लेकिन इसके आगे जाके ये जो चीज है, देखो तो सबकी माता है, आपकी है, मेरी है, सबकी है, लेकिन ये सिर्फ हमारी मानव के नहीं, लेकिन ये सारे जीव जंतु सब कुछ, इसकी भी एक माँ है ना ऊपर, और उसके लिए अगर हम लोग करेंगे तो सोचिए वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते पैसे के लिए। आप ये जो किसान, ये जो इतने सारे लोग, आज आप सैकड़ों हजारों किलोमीटर लोग दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ के, माता पिता को छोड़ के वहां बेचारे काम करते हैं, और कोरोना में तो इतनी बुरी इसकी हालत हो चुकी है, ऐसे सब लोगों को कौन मदद करेगा। हमारा जो बिजनेस है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, वो इसके लिए काम कर रहे हैं। ये कैंसर जो अभी पूरी तरह से सभी जगह, बच्चों से लेकर बूढ़े तक अभी कैंसर फैल चुका है, उसको पूरी तरह से निकालने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि कैंसर फ्री फूड कैसे बने, अनाज कैसे बने। ये जो पेट्रोकेमिकल है, जिसे जैसे मैडम ने कहा कि अभी इतना पूरा ओशन उन्होंने बर्बाद किया है, और बाकी भी बहुत चीजें वो बर्बाद करते हैं, कैंसर को फैलाते हैं, इसको जो सोल्यूशन चाहिए वो है अपने पास। आप ऐसा मत सोचे कि हम बाकी के दूसरे कंपनी के जैसे हम लोग अंतरिक्ष में जाने वाले,
दूसरे ग्रहों पर जाने वाले, ऐसी बात नहीं कर रहे हम लोग। जो हजारों सालों से जो काम चल रहा है, हजारों सालों से जो व्यवस्था बनी हुई है मोहनजोदड़ो उससे लेके अभी तक जो भी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते थे जब जिससे कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ, उसी चीजों को फिर से लाना ये काम हम लोग कर रहे हैं। और ये पूरा काम करने के बाद, पूरा बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट हमारे यहां मिल रहे, हमारे पास बचेगा, उसका भी जितना मैक्सिमम यानी 20% हम लोग हमारे वहां के गांव के लिए, लोगों के लिए, वहां के एजुकेशन के लिए, मेडिकल व्यवस्था के लिए हम लोग दे रहे। और फिर से हमें अपने गांव को और तहसील को आबाद करने का सोच रहे। दोस्तों ये जो काम है, ये काम इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी एंगल से आप इसको देखिए। ये बिजनेस तो मैं कभी भी बोलता नहीं कि ये बिजनेस है, ये बिजनेस का इतना अच्छा काम है, कोई भी हो, कैसे भी हो, कहीं भी रहता हो, हर आदमी ने इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए, हर आदमी ने इसके लिए काम करना चाहिए। इस तरह का आज हम लोग काम कर रहे हैं। और ये भी हमें ये भी जरूरी है कि इसलिए लोगों को मोटिवेट करो, मोटिवेट करना जरूरी है कि चलो मिलते हैं, दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। और इसीलिए भी जरूरी है सैटरडे सेशंस। दोस्तों हमें अपने लोगों की ना मानसिकता चेंज करनी, उनकी सोच चेंज करनी। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि ये सब कुछ जो मिला है, जो कुदरत ने दिया है, जो नेचर ने दिया, ये सब ग्रांटेड लेते हैं। यानी जो नदी या जो तालाब जिसकी वजह से वहां बस्ती होती है, गांव बसता है, जिसके वजह से वहां खेती होती है या बाकी के इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उसी नदी को, उसी तालाब को आप इतना खराब कर देते हो। मैंने तो यहां तक देखा कि उस नदी के पात्र में भी लोग अपना घर बसाते हैं। इस तरह से लोगों की सोच है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट यह है कि अंग्रेज हमारे ऊपर 350-400 साल हमारे ऊपर राज किया। वो कुछ व्यापारी तो हम लोग मानते ही नहीं। क्या व्यापारी थे? लुटारू थे। वहां से आए यहाँ आके उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे हमारे भारत देश को अच्छी तरह से लूटा। पूरा यहाँ का जो धन था वो वहां लेके गए और वहां अपने जो बिजनेसेस थे, फैक्ट्रीज थे, उसको बड़ा किया। कहा थे ये व्यापारी, ये लुटारू थे। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, सबसे बड़ा नुकसान क्या किया कि वो तो ठीक है जो उन्होंने लिया हमसे, लेकिन कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया कि हम लोग फिर से मेहनत करके उनको ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी सोच ही बदल डाली। उन्होंने क्या किया कि यहाँ की पूरी जो एग्रीकल्चर की व्यवस्था थी, कृषि की व्यवस्था थी, एक तो उसको बर्बाद करके उनको जो चाहिए था उनको उस तरह से वो करा के लिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और बंदरें विकसित की ताकि वो पूरा माल अपने तरफ लेके जाते और वहां का माल इधर लाते। दूसरे बाकी सभी लोग जो काम कर रहे थे, हमारी सबसे बेस्ट शिक्षण व्यवस्था हमारी थी, अपनी थी। ये गुरुकुल व्यवस्था लीजिए, बाकी सभी व्यवस्था दुनिया में इसके नाम थे। अगर बहुत पहले अगर आप चाइनीज जो वहां के ट्रेवलर थे उन्होंने जो लिख के रखा है, बाकी के देशों ने लिख के रखा है कि भारत में शिक्षण व्यवस्था कितनी अच्छी थी, स्पेशलिस्ट जो थे वो थे हम लोग, यानी वो स्पेशलिस्ट के लिए अलग अलग बड़े बड़े विद्यापीठ थे। और ये ऐसे पूरी व्यवस्था को उन्होंने बर्बाद करके ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो इनके काम आए, जो सिर्फ कारकुनी क्लर्क का काम करे और ब्रिटिश लोगों का एम्पायर बड़ा करे, साम्राज्य बड़ा करे। अभी ब्रिटिश तो चले गए लेकिन वो जो मानसिकता है, वो जो सोच है, वो हमारी वैसे ही है। आज वो कंपनी चली गई लेकिन इतनी सारी कंपनियां जो आ रही है, जो काम कर रही है, बिजनेसेस कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 मैं हमेशा जिसको बोलता हूं, हर सेक्टर में हमारी मानसिकता क्या है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बस वो सैलरी मिलनी चाहिए, मेरी यहाँ के गांव का कैसा विकास हो, मैं कहा खुद स्टार्टअप करूं, मैं कैसे बिजनेस बढ़ाऊ, ऐसे ज्यादा लोग सोचते नहीं। इस माइंडसेट को बदलना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए ना इस एग्जांपल को, जापान जैसा देश आप सोच नहीं सकते कि लेकिन हमारी जैसी परिस्थिति, कई ज्यादा बुरी परिस्थिति, जापान पूरी तरह से बेचिरा, पूरी तरह से बर्बाद हो गया था दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद, कुछ भी नहीं बचा था। तब एक इंसान जिसका नाम है आकियो मोरिटा, इस आदमी ने जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, इस आदमी ने आधी टूटी इमारत में एक बिजनेस चालू किया। कौन सा बिजनेस चालू किया? तो ट्रांजिस्टर बनाया, ट्रांजिस्टर। उसकी कंपनी का नाम था सोनी। वो ट्रांजिस्टर, पहली बात तो ये थी कि वो ट्रांजिस्टर उनके देश की खोज नहीं थी, वो ट्रांजिस्टर किसी और ने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था, उन्होंने बनाया नहीं था।
तो वो ट्रांजिस्टर बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का और उसको बेचने का, और कहां बेचे, तो उनके देश में तो लोगों के पास पैसे ही नहीं थे कि वो ट्रांजिस्टर खरीदे, तो वो ट्रांजिस्टर भी उन्होंने कहां बेचा, अमेरिका में जाके बेचा। तो सोचिए ट्रांजिस्टर जो उनके उनकी उपलब्धि नहीं, उनकी खोज नहीं, वो बनाते हैं और बेचते कहां है, वहां दूसरे देशों में जाके, क्योंकि उनका देश खरीद ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ऐसा बिजनेस किया कि उसके बाद इतने सारे लोग इंस्पायर हुए, पूरा देश इतना अच्छा इंस्पायर हुआ कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूरी दुनिया पे राज कर रही है। आप आज हमारे यहाँ कारों में टोयोटा नंबर वन है, जापान से है, सुजुकी जो हम लोग बात कर रहे हैं, मारुति सुजुकी सब कुछ वो जापान से है। तो सोच सकते कि एक आदमी कितना कुछ कर सकता है, कितना कुछ बदल सकता है, वही हमको लोगों को बताना है, हमें लोगों को समझाना है कि उनकी सोच को बदलना है। अरे यहां तो हम पूरे दुनिया में जिसके लिए फेमस थे, जिसकी वजह से हम लोग एक नंबर कंट्री थे, वही तो करना है। और यहां भी ऐसे भी नहीं कि हमें ये माल दूसरे को बेचने की जरूरत है, अगर यही माल हम लोग तैयार करके हमारे देश में भी बेचना तो भी हम लोग बहुत अच्छे आबाद हो जाएंगे। ऐसा हमारा बिजनेस मॉडल है, और यही समझाने के लिए, यही लोगों को बताने के लिए जरूरी है सैटरडे सेशन। दोस्तों ये पूरा काम ऐसा है, ये जिस चीज को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, जो समस्या को हम लोग हल करने वाले हैं, ये इतनी जरूरी है कि तो मैं समझता ही नहीं कि ये बिजनेस की तरफ, मैं हमेशा सोचता हूं कि ये पूरा आंदोलन जैसे होना चाहिए, आंदोलन ही होना चाहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण, इतनी गंभीर समस्या ये बन चुकी है, और हमारा सबका कर्तव्य है। वो फॉरगेट कि हमको कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा हमारा, क्या भविष्य, वो तो बहुत बहुत सेकेंडरी बात है। आज हम लोग ये काम इस तरह से, अगर आज हम लोग हमारे धरती माँ की सेवा करें, आज हम लोग हमारे किसानों की सेवा करें, गांव का विकास करें, तो इससे अच्छा काम ही नहीं हो सकता। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है ना, ये एक आंदोलन बने, ये एक क्रांति बने, जिसमें हर कोई आके अपने गांव के विकास के लिए काम करे, अपने तहसील के विकास के लिए काम करे, हमारे देश को फिर से उस मुकाम तक लेके जाए जहां हम लोग कई साल तक थे। दोस्तों बिजनेस, अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हमेशा नंबर आते हैं, आपका क्या टर्नओवर है, आपका क्या प्रॉफिट है, और ये होने ही वाला है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर मैं कहता हूं आपको कि ये एनजीओ नहीं है, ये बिजनेस है, तो 100% बिजनेस है। बिजनेस इसीलिए तो ये चलेगा, इसलिए तो ये सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल तो बिजनेस हमेशा रहेगा। आप आज से लेके हमेशा जब बिजनेस करोगे ना एमसीएल का, तो वो प्रॉफिट बैलेंस शीट वो सब 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 चलती रहेगी। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, जबकि प्रॉफिट तो बहुत सेकेंडरी है, फर्स्ट इज प्लैनेट, बाद में है पीपल और बाद में है प्रॉफिट। दोस्तों ये समझाना और समझना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि आपके गांव में भी हर कोई ये समझे, हर कोई आदमी, हर कोई परिवार ये समझे कि कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट काम है। इनिशियली नहीं समझेंगे, इनिशियली लगेगा ऐसे ही कुछ पैसे के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, लोगों के मन में बहुत सारी शंका हो, लोगों को कितने सारे लोगों ने ऐसा करके दिखाया, कुछ दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, और लोगों को लूटते। लेकिन वैसा हम लोग नहीं, आज लोग उनको लगेगा, कुछ दिन के लिए लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये बिल्कुल नहीं लगेगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से लोगों को बताइए कि हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो, हर घर इसमें आए, और इसके लिए भी जरूरी है सैटरडे सेशन, इसके लिए भी जरूरी है कि हर उस हफ्ते में एक दिन आप लोगों को बताएं कि आप किस लिए ये सब कर रहे हो। लेट अस टॉक अबाउट बिजनेस। अगर हम लोग सिर्फ प्योर बिजनेस की भी बात करते हैं तो चलो ये बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। क्योंकि हमें अपने एक क्षेत्र में, हमारा क्या क्षेत्र है, ईंधन का क्षेत्र है, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस है। हमें फूड के क्षेत्र में करना है, फूड यानी फूड और फूड प्रोडक्ट जैसे नेस्ले, और तीसरा हमारा क्षेत्र है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये तीनों जो क्षेत्र है वो दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्र है, इसमें काम करने वाली कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। लेकिन आज किसी भी सेक्टर में अगर कोई भी कंपनी नंबर वन का काम कर रही है तो उसको बनना पड़ता है ब्रांड। कोई भी सेक्टर लीजिए, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट क्या है, वो टेक्नोलॉजी भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन क्या क्या होता है, किसकी वजह से एक कंपनी 90% ऑफ द मार्केट शेयर उसके पास होता है और बाकी सभी कंपनियां 10% करती है, या एक कंपनी बहुत ज्यादा काम करती है बाकी कम करते हैं, वो तभी जब वो ब्रांड बनती है। तो हमें भी अगर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी बननी है,
हमें सिर्फ अपने देश को स्वयं पूर्ण नहीं करना, हमें पूरी दुनिया को ये अच्छा जो फ्यूल है वो सप्लाई करना है। अगर ये काम करना है तो हमें भी बनना पड़ेगा ब्रांड, हमें भी ब्रांड बनना पड़ेगा। और कैसे बनता है ब्रांड, क्या होता है ब्रांड? तो ब्रांड है विश्वास, ब्रांड है भरोसा, ब्रांड है इज्जत। आपको इज्जत कमानी पड़ेगी, हमें इज्जत कमानी पड़ेगी कि यस हम भरोसे लायक है, भरोसेमंद है, हम लोग सही काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छे लोग। ये जो चीज है उसको कहते हैं ब्रांड। और ये कैसे बनता है ब्रांड? पहले बनता है कि आप कोई सिद्धांत के ऊपर काम करते, क्या सोच है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की? आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हो क्या? नहीं। हर मीटिंग के पहले हम लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, आचार संहिता आपसे आपको बोलते हैं, और आप भी बोलते हैं कि आप भी बोलनी चाहिए। हर मीटिंग के पहले हम लोग सबको बोलते हैं कि आप कोई भी मीटिंग कंडक्ट हो पहले आचार संहिता बोलो, लोगों को पता चलना चाहिए कि किस मूलभूत सिद्धांत के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और ये बहुत जरूरी है, अगर आप एक आपकी सोच अच्छी है, अच्छे विचारों के ऊपर आप काम करते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। और दूसरी, जो भी कमिटमेंट आप लोगों को करते हो, यानी वो हमारे टीम के लोग हो, ये वो जनता हो, या हमारे कस्टमर हो, गवर्नमेंट हो, ये सभी जो अलग अलग लोग जो हम लोग अभी कमिटमेंट्स कर रहे हैं, एक बार वो कमिटमेंट करके दिखाए तो बनती है, तो बनता है ब्रांड, तो बनती है इज्जत, तो बनता है विश्वास की या ये आदमी, ये लोग जो भी बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। तो वैसा हमें करना है, हमें दिखाना है कि हम लोग बहुत सिंसियर हैं। कोई भी चीज जब आप सिंसियरली करते हो ना, जब दिल में आपकी बिल्कुल कुछ खोट नहीं है, आप पूरे अच्छे दिल से अगर ये करते हो, तब बनता है वो ब्रांड, तब लोग आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। पहली बार बोलेंगे तो कोई भरोसा नहीं रखे, एक दो तीन चार बोलेंगे तो लोग बोलेंगे ऐसा ही कुछ मार्केटिंग का चीज है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि आप एक्चुअली क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें देना चाहूंगा। अभी लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने एक हमारी महाराष्ट्र में एक कंपनी है, महाराष्ट्र में नासिक करके जिला है, उसमें एक तालुका है येवला। इस येवला तालुका में जो दो एंटरप्रेनर्स है, उनका भी सरनेम जादव है, इन्होंने जब काम शुरू किया तब ऐसी कंडीशन थी दोस्तों कि उनको एमपीओ मेंबर, एमपीओ के लिए कंपनी बनाने के लिए 10 इनिशियल मेंबर चाहिए और 5 डायरेक्टर चाहिए। तो वो 5 डायरेक्टर बनने के लिए भी कोई तैयार नहीं था, कोई भी तैयार है, हालांकि बहुत अच्छा नेटवर्क, बहुत अच्छा वहां वो लोग कई साल से उसमें काम करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही काम करते हैं, लोग उनको जानते हैं, फिर भी कोई भी वहां उस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए तैयार नहीं था। उनको लगा कि नहीं, आप कुछ ना कुछ गलत करोगे, आगे जाके कुछ फंसोगे, हम लोग भी फंस जाएंगे। आज ऐसी परिस्थिति है, उन्होंने अपना काम चालू रखा, सिंसियरली चालू रखा, अच्छी तरह से चालू रखा, लोगों को पता चला कि नहीं ये लोग वैसे नहीं, ये लोग सच्ची में हमारे लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और आज ऐसी कंडीशन है कि इतने सारे लोग आज उनके साथ जुड़ रहे हैं। किसी ने अगर 500 रुपए का शेयर रहेगा तो और ज्यादा शेयर लेके वो लोगों को 125 तो बनी रहे और नए 125 को जोड़ रहे। बस सिर्फ 1.5 महीने में उन्होंने 10,000 लोगों को अपने साथ जोड़ा। तो ये बताना जरूरी है, ये बार बार बताना जरूरी है, रेगुलरली बताना जरूरी है दोस्तों। पहली बार लोगों को, लोग नहीं समझेंगे आपको चीज क्योंकि उनका अलग अभी तक का उनका अनुभव आया है, अलग उनके बारे में एक सोच बन चुके, माइंडसेट बन चुका है कि हम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बिजनेस करना है तो ऐसे ही कुछ गंदा करना पड़ेगा, अच्छी चीज से बिजनेस ही नहीं कर सकते, ऐसा लोगों को लगता है। तो हमें बार बार लोगों को बताना पड़ेगा, हमेशा बताना पड़ेगा, और जो भी बताएंगे वो डिलीवर, वो करके दिखाना पड़ेगा। और ये बताने के लिए ही है सैटरडे सेशंस दोस्तों। तो क्या है एग्जैक्टली ये सैटरडे सेशंस क्या है? तो सैटरडे सेशन है सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे सभी चीजें जो मैंने अभी आपको बोली है कि लोगों को मालूम ही नहीं इतना सब प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कि लोग सब नींद में हैं। तो ये लोगों को जगाना, उनको बराबर इसके बारे में बताना, उनको अच्छे तरह से ट्रेन करना और सभी लोगों को उस बड़े चीज के लिए तैयार करना, ये है सैटरडे सेशन। ऐसे समझे कि जैसे स्कूल में जाते हैं, हम लोग स्कूल में जाते हैं और ये पूरे 10 साल का जो काम होता है कि हर दिन हम लोग स्कूल में जाते हैं और पढ़ते लिखते हैं, वैसे ही है उस ट्रेनिंग, उस पढ़ने लिखने का ही नाम है सैटरडे सेशंस। क्योंकि पहली बात तो जो इन्फॉर्मेशन आज हमें मिलती है ना, जो लोग
लोग पढ़ते हैं या लोग जो माहिती उनको जो जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है वो इंफॉर्मेशन किस कहां से आती है? तो एक तो मीडिया में जो कुछ दिखता है जो लोगों उनको लगता है जो सही है, पेपर में भी वही छपता है कि जो एडिटर संपादक को लगता है कि नहीं ये छपना चाहिए, टीवी में भी वही दिखाई देते जो उनको न्यूज चैनल को लगता है कि जो दिखाना चाहिए। और एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आज तैयार हुई वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसमें जो उनको लगता है वो हाँ यहाँ वहाँ जो फैलता है वो लोग उसमें ही देख रहे हैं, उसको ही पढ़ रहे हैं। बुक किताबें पढ़ने तो कोई हाथ ही नहीं लगाता आज, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, ना कोई किताबें पढ़ता है ना कोई सच में क्या है वास्तव क्या है वो जानता है। सैटरडे सेशन जरूरी है लोगों को ये बताने के लिए कि एक्चुअल में वास्तव क्या है। दोस्तों लोगों को एजुकेट करना जरूरी है, एजुकेट यानी आदमी हमेशा पूरी जिंदगी भर एक स्टूडेंट रहता है और हमेशा कुछ नई नई चीजें सीखता है, और ये ऐसी चीज है कि कंपल्सरी हमें लोगों को समझानी है, लोगों को सिखानी है। और सभी अगर जैसा मैं बोलता हूं कि बायोफिल के बारे में हम लोगों ने इतनी दिल से मेहनत की है, हम लोग काम कर रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ऑयल एंड गैस में पूरी जिंदगी काम किया लेकिन उनको बायोफिल के बारे में कुछ नहीं पता, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और बाकी चीज के बारे में नहीं पता। ऐसे सब चीजों को बताने का तरीका और इन लोगों को एजुकेट करने का तरीका आप ऐसा बोल सकते कि एक स्कूल के जैसा काम करने का तरीका है सैटरडे सेशंस। अवेयरनेस, तो एक्चुअली क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग और फिर हम लोग कैसे काम करें इसके ऊपर, कैसे कैसे काम करें कि ये पूरा जो संकट है, क्योंकि संकट के बारे में तो सबको पता है, ये इतना बड़ा संकट है कि लोगों को पता है कि सब कुछ बदल रहा है, हम लोग बचपन में जैसे होते थे वैसे नहीं रहा सकते, तो इसके बारे में लेकिन अभी क्या करें कि जिसके वजह से सब पूरा थम सकता है, पूर्ववत हो सकता है, तो इसके लिए जरूरी सैटरडे सेशन, लोग इकट्ठा आने चाहिए, क्योंकि ये जो काम करने हम लोग निकले हैं ये कोई ऐसे कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री नहीं डाल रहा कि किसी को देखने की जरूरत है, हम लोग सिर्फ अपनी फैक्ट्री डालें अपने मोबाइल तैयार करें और बेचे मार्केट में। दोस्तों ये तो पूरा एक बदलाव है, एक मूवमेंट है कि ये पूरी जो हमारी दुनिया आज खतरे में उसको बचाना, इसलिए लोगों को लाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि चलो आप अपना जो भी आप कर सकते हैं वो काम करो, उसके लिए सैटरडे सेशंस। और यस हमारा ग्लोरियस पास्ट, लोगों को यह समझाना जरूरी कि अरे हमारा क्या इतिहास है, क्या परंपरा है, क्या थे हम लोग। आज भी ये जो आर्किटेक्ट है ना, ये आर्किटेक्ट पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो हम लोगों ने हजारों साल पहले तैयार किया है। हमारे देश में हर सेक्टर यानी हर विषय बहुत ज्यादा विकसित था, हमारे सेक्टर में हमारे देश में साइंस विज्ञान इतना विकसित था कि आज ये जो जेफ बेजोस, ये जो इलॉन मस्क अभी वहां अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहे हैं ना, तो अब इतने साल पहले, इतने हजारों साल पहले हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया था और विकसित था, प्रॉपर उसके लिए यूनिवर्सिटी थी। और ऐसा हर जगह में पूरी दुनिया के 35% से ज्यादा इकोनॉमी हम लोग चल रहे थे, सबसे ज्यादा जीडीपी हम लोग दे रहे थे, ये बाकी के सभी यानी 190 अगर हम लोग जो बोल रहे हैं ना, तो हमारा देश इतना बड़ा था कि 35% से ज्यादा हम लोग कमाई करते थे और बाकी सभी देश एक जगह थे। तो ये लोगों को बताना जरूरी है ना कि और ये किसके कारण हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी कुदरत ने हमें इतना दिया है, लोग ये समझ नहीं पा रहे, ये गांव में ये खेती ये सब कुछ जो है ना यही तरीका है काम करने का, ये बताना लोगों को जरूरी है। और प्लेटफॉर्म और एक मंच तैयार कर, दोस्तों जैसा हम लोग सोचते हैं वैसे कई सारे लोग हैं हमारे देश में, हमारे आजू बाजू, हमारे समाज में जो ये सोचते हैं, जिनको ये पता है, जिनको लगता है कि वो कुछ करे लेकिन एक्चुअल में क्या करे वो समझ में नहीं आता। जैसे मैडम ने अभी एग्जाम्पल दिया उन साहब का जो हर संडे वो सब काम करते और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मूवमेंट उन्होंने शुरू किया है ये बीचेस साफ करने का, वैसे ही कोई किसानों के लिए काम करना हो या वन्य जीव उनके लिए काम करना है, फॉरेस्ट के लिए काम करना है, इस पर्यावरण के लिए काम करना है, ये सभी चीजों के लिए काम करने के लिए कितने सारे लोग हैं, कोई एजुकेशन व्यवस्था में काम करना चाहता है, कितने सारी चीजें हैं। और हमारा MCL तो बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हम लोग सभी को सभी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, सभी क्षेत्र में काम हमें करना है बेटर, और ये सभी लोग जो अच्छा सोचते हैं वो सभी लोग एक साथ इकट्ठा आ सकते हैं, इस मंच पे आ सकते हैं। सैटरडे सेशन वो एक मंच है कि जब आप एक काम करोगे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। हमारे साथ हमारे एक उद्योजक है, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद करके जिला है और वहां तुलजापुर करके तालुका है, वहां जो हमारे एंटरप्रेनर है, हमारे बिजनेस ओनर है, उनका नाम है सचिन धरने जी। वो हर सैटरडे मीन सबसे बेस्ट
अगर सैटरडे के सेशन कोई करते होंगे तो वो है। उन्होंने भी जैसे शुरुआत में काम करना चालू किया तो उनके आजू बाजू गांव वाले भी उनको ज्यादा प्रतिसाद नहीं दे रहे थे, उनको लग रहा था कि नहीं ऐसे कुछ चल रहा है। लेकिन आज लोगों का इतना विश्वास उनके ऊपर बढ़ चुका है, इतना विश्वास, उतना भरोसा आ चुका है। और इतना ही नहीं, कितने अच्छे लोग उनको मिले हैं, क्योंकि उनके कंपनी के अंदर ग्राम पंचायत के लेवल पे भी आप देखोगे कि तो मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम करते हैं वही अपनी काम नौकरी छोड़ के वहां ग्राम उद्योग करके उनके साथ काम कर रहे हैं। वहां के IAS ऑफिसर उनके साथ हर रोज कम्युनिकेट करते हैं कि कैसे उस तालुका को बेहतर बनाए। तो ये फर्क पड़ता है सैटरडे सेशन से। दोस्तों हमें लोगों को इकट्ठा लाना पड़ेगा। ये जो ऐसी कोई चीज है ना जिस वजह से हम लोग बोलते कि नहीं ये तू इसका तू उसका, ये सब नहीं चलेगा। इतना बड़ा संकट आज हमारे सामने है ना, तो सबको इकट्ठा यूनाइट होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। यूथ, हमारी युवा जो यंग पीढ़ी है ना, क्या लगता है उनको? मैं देखता हूँ कि कितने सारे हमारे यंग टैलेंटेड बच्चे IIT IIM से भी आते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या लगता है कि नौकरी कर, IAS IPS बन जाओ या जो भी है। बाकी के भी जो जिस तरह से आज मोबाइल में सब लोग उलझे हैं, बाकी के लोग, तो भी मुझे लगता है कि लोगों को, नई जो पीढ़ी है युवा, उनको सही डायरेक्शन नहीं, जबकि हमारे पास तो सब कुछ है। आपको याद होगा मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि कैसे वो बूढ़ा आदमी जब वो मरता है अपने चारों बच्चों को बोलता है कि जाओ अपने हमारे ये खेतों, हमारे खेतों में मैंने सोना निकम में बच्चे होते हैं उसके चार बच्चे, और उनको बोलता है कि मैं मरने के पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे खेत, अपने खेतों में मैंने सोना छिपा के रखा है। और वो चारों बच्चे जो कभी खेतों में नहीं जाते, कभी कुछ काम नहीं करते, तब जाते हैं और पूरा खेत खोद के रखते हैं कि सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। लेकिन उनको सोना तो मिलता नहीं। बाद में बड़े बुजुर्ग उनको बोलते हैं कि यार इतना खोदा है तो उसमें आप बेच डालो, खेती हो सकती है। तो खेती ऐसी होती है खेती, तब उनको पता चलता है कि असली सोना क्या है। मनोज कुमार की वो मूवी उपकार, उसमें वो जो गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये एक्चुअली सही में गाना बहुत ही इंस्पायरिंग गाना है। लेकिन ये बेसिक जो चीज हमारी यंग, हमारी युवा भूल चुके हैं, तो उनको सही दिशा में ले जाने के लिए भी जरूरी है ये सैटरडे सेशंस। लोगों को बताना जरूरी है ना कि आप कोई कुछ जरूरत नहीं, आप गुलामी की मानसिकता में रह के लोगों के लिए काम करो, दूसरे कंपनियों के लिए काम करो, सैकड़ों हजारों किलोमीटर अपने गांव से चले जाओ और वही कैसे भी कोई भी झोपड़पट्टी बड़ा उधर कोई व्यवस्था नहीं होती वहां बेचारे काम करते हैं, कोई जरूरत नहीं ना। मिलके अगर हम लोग अच्छी तरह से काम करें तो फिर से हम लोग उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम लोग हमेशा थे। दोस्तों ये सैटरडे सेशन यानी सिर्फ मीटिंग नहीं है। मैं सोचता हूं कि जैसे आप गुरुवार को जाते हैं और साईं बाबा के आरती करते हो, जैसे आप शुक्रवार को जाते हो और नमाज अदा करते हो, जैसे आप रविवार को जाते हो चर्च में और चर्च में प्रेयर करते हो, वैसे ही प्रेयर है नहीं है। हर हफ्ते में एक दिन आप अपने लोगों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए प्रेयर करो, एक घंटा करो, ज्यादा नहीं, लेकिन सबको बुलाओ उस प्रेयर में, ओके, और उनको बताओ कि हमें क्या करना है, क्या विजन है, क्या मिशन है, हमें अपना गांव फिर से सुजलाम सुफलाम करना है। कि होते हम लोग दुनिया के जितने भी हिस्ट्री है ना, 2000 साल, 2000 साल में से 1600 साल हम लोग दुनिया के नंबर वन इकोनॉमी थे। दोस्तों ये बता के इस विजन और मिशन के लिए काम कर सकते हैं। और ये सैटरडे सेशन आपको, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे कैसे जरूरी है वो देखते हैं। दोस्तों एक तो कि हर तालुके के ऊपर हम लोग एक कंपनी का निर्माण कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं स्टार्टअप, MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप। वैसे ही हर तहसील, हर ग्राम पंचायत के लेवल पे हमारी जो कंपनी बन रही है वो है MCL विलेज प्रोजेक्ट। अब ये सभी जो कंपनियां हैं हर ग्राम पंचायत के ऊपर जो बन रही है ना MCL विलेज प्रोजेक्ट, वो भी अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र बिजनेस है, ओके। और वो स्वतंत्र बिजनेस के लिए किससे कैसे फायदा होगा तो मैं आपको बोलता हूँ। ये जो ब्रांड ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ये जो भरोसा, ये जो इज्जत की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है बिजनेस में काम करने के लिए। आपका नाम, आपकी इज्जत, आपके ऊपर भरोसा लोगों का, ये बहुत जरूरी, ये इसके लिए जरूरी है सैटरडे सेशन। ये जब आप सैटरडे सेशन हर हफ्ते करोगे, और ये आप हमारे अभी सैकड़ों जो एंटरप्रेनर्स हैं उनको पूछे, उनके खुद के जवाब पूछे। आज हमारे नंबर वन के जो लातूर तालुका में बहुत अच्छा काम हमारा चल रहा है, लातूर तालुका में जो हमारे मेन अभी पूरे नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं हमारे किशोर राठौर जी साहब, उन्होंने जब इसकी शुरुआत की तो पहले दिन
जब उन्होंने सेमिनार लिया तो एक ही आदमी सामने बैठा था, तो होगा ही शुरुआत में आप जब शुरुआत करेंगे तो एक ही आदमी रहेगा सामने, एक दो रहेंगे, लोग आपकी तरफ देखेंगे नहीं, लोगों को ऐसे ही कुछ मार्केटिंग ही लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप करोगे तो महज सिर्फ 3 महीने के अंदर आप देखिए क्या होता है, सिर्फ 6 महीने के अंदर आप देखिए कि आपको क्या करना है। 6 महीने हर हफ्ते जब आप एक काम करोगे तो आप सोच नहीं सकते कि उसके बाद लोगों का कितना भरोसा, कितना विश्वास आपके ऊपर आएगा। और ये पूरा जितनी इज्जत, जितना भरोसा आप कमाओगे उतना ही आप प्रॉफिट भी कमाओगे। दोस्तों पूरी तरह से आप सिर्फ बिजनेस जो है ना, जो हमारा काम है, अगर हम लोग, मैं अगर ग्राम पंचायत लेवल का एंटरप्रेनर हूँ, उद्योजक हूँ, तो मेरा सिर्फ फोकस होना चाहिए मेरे ग्राम पंचायत के, मेरे लोग, बस आप उनके लिए काम कीजिए। कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग इनकम दे सकते हैं, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा उनके जमीन के ऊपर धान उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर अच्छी कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले उसके बारे में सोचिए, अपने आप आपको इनकम आ जाएगी। दोस्तों सिंसियर एफर्ट्स कीजिए लोगों के लिए, बाकी बस भगवान के ऊपर, कुदरत के ऊपर छोड़ दीजिए। दोस्तों तो एग्जैक्टली क्या करना है इस सैटरडे सेशन में, चलो देखते हैं। सैटरडे सेशन यानी बहुत कुछ नहीं, मैं जैसे कहता हूं कि हफ्ते में एक दिन आपको एक सेमिनार या मीटिंग करनी है। मैं कहता हूं कि सैटरडे सेशन यानी शनिवार का सेशन, यानी शनिवार की मीटिंग। सर जरूरी नहीं कि आपको शनिवार को करनी है, क्योंकि क्या होता है कि हर ग्राम पंचायत में अपना अपना एक दिन होता है, जब वहां एक मंडी का दिन होता है, जो वीकली जून की मंडी होती है, बाजार का दिन होता है, उस दिन पे आप कर सकते हैं। अगर सोमवार को तो सोमवार को करो, मंगलवार को, हमारे लोगों के लिए जो बेहतर है दिन उसके ऊपर करो। तहसील का आप सैटरडे करो, जो तहसील के जो हमारे एंटरप्रेनर वो सैटरडे करो, लेकिन हर हफ्ते अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायत में, जैसे आपको लगता है, एक दिन आपको डेडिकेटली एक मीटिंग करनी, प्रेयर मीटिंग करनी, वो प्रार्थना की मीटिंग करनी, कि चलो इकट्ठा मिलते हैं, बैठे यार, और बैठे और विनती और प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं कि कैसे हमारे गांव को हम लोग बेहतर बनाए, कैसे हमारे गांव के सभी जो प्रॉब्लम्स है, सभी जो एक एक इंच जमीन है, कैसे उससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। ये काम करना, हफ्ते में एक काम, एक मीटिंग ऐसी लेना, उसको बोलते हैं सैटरडे सेशन। और उसके अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, हर शनिवार को, हर उस दिन को एक अलग अलग विषय लेके आप लोगों के साथ चर्चा कर सकते हो। और ये डायरेक्ट मीटिंग कंडक्ट करो आप, अभी तहसील में, अभी मैं जो आपके साथ कर रहा हूँ, ये मैं वेबिनार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठा बात करनी, ये कंप्यूटर के ऊपर कर रहा हूँ। लेकिन जरूरी नहीं कि आप गांव में, ग्राम पंचायत में कंप्यूटर के ऊपर, डायरेक्ट वो मीटिंग वो आप करिए। और बहुत जरूरी है कि एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे वो हमेशा हो। अगर आप शनिवार को सुबह 11 बजे, शनिवार को सुबह 10 बजे अगर आप कर रहे हो, या शनिवार को सुबह 8 बजे 9 बजे कर रहे हो, तो पूरी जिंदगी भर आपको हर शनिवार सुबह 8 बजे ये होना ही चाहिए। ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपके सब मेंबर्स आपके साथ है, बहुत जबरदस्त बढ़िया बिजनेस आप कर रहे हैं, उसका कोई वास्ता नहीं। ये बिजनेस चलता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन आपको हमेशा हर शनिवार को, या कोई भी दिन जो आपने अपने गांव के लिए सोचा है, उस गांव को, उस दिन को, वो सुबह हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, शाम को भी 6 बजे 7 बजे 5 बजे, जो भी लोगों को जो लगता है वो हिसाब कर सकते, लोगों के लिए कार्यक्रम। लेकिन हर हफ्ते एक दिन, और गांव के अलग अलग चीजों के लिए अपन काम कर सकते, और हर हफ्ते एक टॉपिक आप लीजिए, हर हफ्ते एक नए विषय के बारे में, हमारे गांव में जो चल रहा है उसके विषय के बारे में आप चर्चा कीजिए। और टॉपिक जो है ना, वो लोगों को जो एक्चुअली जरूरी है, जिससे लोग पीड़ित है, जो समस्या है, या जिसमें लोग कुछ करना चाहते हैं, या हमें लगता है कुछ करें, ये सब ये टॉपिक आप ले लिया कीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग तो आपको मिलके बताए कि नहीं इसके ऊपर काम करते हैं, और काम करना है जरूरी है। देखो हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना, हमारी जो समस्या है, हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। और ये जो हर चीज में जब आप बोलोगे, जरूरी नहीं कि वह आप ही जो वहां के मेन एंटरप्रेनर वही बात करें, हमेशा आप नए लोगों को बताइए, नए लोगों को बुलाइए, नए लोग आएंगे उसके बात करेंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा आप ही उसको कंडक्ट करो। हर शनिवार को शाम को 5 बजे ऐसी मीटिंग हमारे समाज मंदिर में ऐसी मीटिंग होती है, उस मीटिंग को कौन करता है कंडक्ट, अलग बात है। कोई आपके रिटायर्ड वहां के बहुत अच्छे डॉक्टर है वो कर सकते हैं, कोई रिटायर्ड कोई प्रोफेशनल है वो कर सकते हैं,
कोई वहां के गवर्नमेंट अधिकारी थे रिटायर्ड वो कर सकते हैं, या कोई भी अच्छा आदमी जो आपके साथ जुड़ा है इस मकसद के लिए वो ये कर सकता है। ये इवन अपने हमारे स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं होनहार बच्चे वो कर सकते हैं। जैसे बचपन में हम लोग बोलते हैं कि हम मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का राज्य, मेरे सपनों का राजस्थान, मेरे सपनों का महाराष्ट्र, अगर मैं ये होता तो, ऐसे कई सारे आइडियाज हमारे स्टूडेंट्स के पास रहते हैं। या हो सकता है कि आपके गांव का कोई भी लड़का लड़की स्कूल में फर्स्ट आया हो, दसवीं में फर्स्ट आया हो, या उसने कुछ किया हो स्पोर्ट्स में, अच्छा कुछ किया, उसको कभी बुलाइए उस सैटरडे सेशन में, उससे बात करने के लिए बोलिए और आइडियाज के बारे में। देखो एक बात हमें समझना जरूरी है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो समस्या है, उसको हमें ही सॉल्व करना। कोई यूरोप में कोई कुछ खोज हुई, अमेरिका में कुछ खोज हुई, चाइना में कुछ खोज हुई और वो यहाँ हमारी समस्या प्रॉब्लम दूर करेंगे, ऐसा प्लीज मत सोचिए। हमारी खेती है, हमारी जमीन है, हमारा पानी है, जो कुछ है वो हमारे प्रॉब्लम। अगर आप सोचोगे ना कि उसमें क्या करना है, कैसे करना, हर हफ्ते उसके बारे में सोचोगे ना, सभी लोग मिलके इकट्ठा जब सोचोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज आपको मिलेंगे और ये हमको करना है। और इतना ही नहीं, अगर आपको वो ये बड़ी बड़ी टॉपिक्स क्या लेना है, कैसे करना, अगर आपको नहीं सोचता आज, तो सिंपली शुरुआत कैसे कीजिए आप कि हर गांव में, जिस ग्राम पंचायत में आप काम कर रहे हो, जिस तहसील लेवल पे काम कर रहे हो, वहां सिर्फ हर शनिवार को या जो भी दिन आपने चुना हो, उस दिन के ऊपर सिर्फ आप अपना जो काम है, हम लोग जो बोल रहे हैं कि हमें हमारा जो विजन है, हमारा जो मिशन है, हमारे एक तीन सेक्टर जो हमें करने हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोमास फार्मिंग और पशुपालन, इसके बारे में बोलते रहिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में बोलते हैं, वो भी आप लोग हम हमेशा बोले तो भी चलेगा। आपने कितनी बार देखा होगा कि स्टेशन के सामने वो शेयर्स में पैसे आप डालो, ऐसे कुछ करो, हर दिन शाम को वहां सेमिनार लेते लोग। तो वैसे मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब तक आपको इसमें और क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि धीरे धीरे आएगी आपको, जब आप काम करने लोगे तब आपको आइडियाज आएगी, तब आपको सोचो, आपको ये भी समझेगा कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, टॉपिक भी आपको समझिए, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक आप सिंपली हमारा जो बिजनेस मॉडल है, तब तक हम लोग क्या करना चाहते हैं गांव के लिए, कैसे विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में आप कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, क्योंकि ये दिन, ये जो सैटरडे सेशन, ये हमारे पूरे आंदोलन का बहुत अहम ऐसा हिस्सा है। तो सबसे नंबर वन रूल इसमें कुछ है, तो वो है, वो कंपलसरी उस दिन के ऊपर, जिस जो दिन आपने सोचा है उसके ऊपर होना ही चाहिए। उस पर कोई भी इंटरप्शन या कोई भी उसमें ब्रेक लगना नहीं चाहिए। आपको अगर पर्सनली कुछ बहुत बड़ी इमरजेंसी हो और आप नहीं कर पाते, तो आपके आपकी टीम का कोई भी मेंबर वहां रहेगा, आप अगर स्पीकर नहीं तो रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कंपलसरी उस हफ्ते, हर हफ्ते उस टाइम को, उस दिन को, उस जगह पे वो होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल, उसमें कोई भी आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, लेकिन वो होना चाहिए। दूसरा, जिस जगह को आपने चुना है उसी जगह पे आपको रखना है। हो सकता है वो स्कूल कुछ हो सकते है, हो सकता है कोई समाज मंदिर हो सकता है, या ऐसी कोई जगह अपने ग्राम पंचायत में या अपने तहसील में ऐसी कोई जगह हो सकती है कि जहां आप हमें लोग जानते हैं, और उसी जगह को कायम रख के आपको हर हफ्ते उसको करना है। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट रूल है। जो भी दिन आप चुनोगे ना, सुबह शाम जो भी टाइम है उसको आपको करना है। आपको सिर्फ 45 मिनट्स to 1 आवर इतना ही मीटिंग करना है, एक घंटे में हो सकता है कि 40 मिनट आप बोले और बाद में 20 मिनट आप लोगों के साथ डिस्कशन करें, बस इतना ही काम कर रहे हैं। आधा घंटा बोलिए, आधा घंटा आप अपना प्रेजेंटेशन कीजिए, बाद में आधा घंटा आप लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, लेकिन ये काम करना है। और ऐसे ना डेडिकेटेड पैशनेट स्पीकर्स लीजिए, ये हमारे सबसे महान गुरु है, जिनको हम लोग जब भी कोई स्पीकिंग की बात है तो ये है। तो ऐसे ही जो लोग दिल से, बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं, अगर दिल से जिसको लगता है ना कि मेरे गांव का विकास हो, ऐसे लोगों को आप बोलने का मौका दीजिए, उनको बुलाइए और उनको बोलने दीजिए। और इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको शब्दों में नहीं बोल सकता, मैं आपको समझा ही नहीं सकता जब तक आप इसका अनुभव नहीं करोगे। आप अगर हर हफ्ते उसी टाइम को, उसी दिन को, उसी जगह पे अगर ये करते हो, तो 6 महीने के बाद आपकी गांव में क्या छवि होगी, 6 महीने के बाद तहसील में आपकी क्या छवि होगी, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, आपका ये जो डेवलपमेंट का रोडमैप है, जो हमें सुजलाम सुफलम करना है, तो एक्चुअली क्या करना है आपको पता है,
तो उसका रोड मैप आपका एकदम क्लियर होने वाला है, यानी मैं अपने गांव में कैसे भी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आपको दिखेंगे नीचे, मेरे यहाँ पानी नहीं है, मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन धीरे 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 जैसे आप करोगे 6 महीने के भीतर आपको पता चलेगा कि आपका रोड मैप, आपका जो विजन है गांव के प्रति, तहसील के प्रति, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता कि हर ग्राम पंचायत में ऑन एन एवरेज इतनी जमीन 1625 एकड़ है, और इतनी जमीन जब हमको डेवलप करनी है तो हर जमीन के टुकड़े को जैसे प्रकृति ने इतने मेहनत करके हमें दिया, तो मैं भी बोलता हूँ कि आप भी ऐसा सोचिए कि आपके पूरे पैसे लगे हैं उसमें, वैसे आप डेवलप करो। तो जैसे जैसे आप सैटरडे सेशन लोगे तो आपको ये और समझ जा, क्लियर होता जाएगा कि मुझे 3 सेक्टर डेवलप करने, मुझे बायोमास फार्मिंग कहाँ हो सकती है, या नेपियर ग्रास हो सकता है कि और कुछ हो सकता है, मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, पशुपालन में क्या कर सकता हूँ, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में जो हमारे गांव के लोग क्या बना सकते हैं, पॉटरी बना सकते हैं या बंबू से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो कुछ है वो धीरे धीरे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये पूरा, यानी मैं सिर्फ, अगर देखो हर कोई बिजनेस के लिए आता है, हम लोग भी बिजनेस करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें ताकि फिर लोगों को भी आपकी वजह से बहुत ज्यादा इनकम मिले। सिर्फ नेपियर ग्रास की अगर हम लोग बात करते हैं, नेपियर ग्रास की आपको सबको पता है कि हर ग्राम पंचायत में हमारा उद्देश्य है कि 100 हेक्टर यानी 250 एकड़ नेपियर ग्रास लगाना चाहिए। अगर उतना करे तो हर दिन 100 से लेकर 138 टन इतना रॉ मटेरियल हमारे फैक्ट्री में आएगा। तो 100 से 138 टन इतना रॉ मटेरियल अगर फैक्ट्री में आता है तो किसानों के पास 1 लाख रुपए से 1,38,000 इतने पैसे हम लोग देंगे। अगर आप साल का टर्नओवर करेंगे तो 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक इतने पैसे साल के हम लोग किसानों में बांटेंगे सिर्फ नेपियर ग्रास 100 हेक्टर पे करने से। तो सोचिए बाकी की चीजें, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग अभी, ऑर्गेनिक फार्म का अलग अलग हो सकता है, मैंने तो सिर्फ बायोमास, ये बायोमास या नेपियर ग्रास के बारे में बताया। तो आपके यहाँ कौन सी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, कैसे उसका अगर ऑर्गेनिक करें तो उससे क्या बन सकता है, उसको जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं, उसकी क्या आमदनी हो सकती है, ये बहुत अच्छा विचार आज हम लोग अपनी कंपनी में कर सकते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, तो क्या वो प्रोडक्ट्स है जो हम लोग बेच सकते हैं। आज सिंपल अगर आप दिया लेंगे तो वो भी चाइना से आता है, कोई चीज आप वो राखी लेंगे हाथ की वो भी चाइना से आती है, और हम लोग अपने यहाँ का माल नहीं बेचते, तो वो भी हम लोग सोच सकते कि कैसे हमारे लोगों को हम लोग और सक्षम कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, यानी कौन से, अगर जिनके पास जमीन ही नहीं, कुछ भी चारा नहीं, वो किस तरह से इस पशुपालन में भी अपना योगदान कर सकते हैं और 2 पैसे कमा सकते हैं। फिशरीज, मैं जैसा मैंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है कि इसको बहुत बड़े लेवल पे, उसको एक कोस्टल आउटलाइन है, यानी बहुत सारे ऐसे गांव है कि जो समुद्र के किनारे हैं, और इतने सारे लोग, अगर हम लोग उनको अच्छे से डेवलप करें, हर उस ग्राम पंचायत के प्रोजेक्ट को बेटर करें, तो इसमें उनको भी एक अच्छा इनकम हम लोग दे सकते हैं। और इसके बाद उसी गाँव को हमें प्रोडक्ट्स भी तो सेल करने हैं, कि सभी माल जो तैयार, आज वो जो प्रोडक्ट्स बाकी के लोगों को ले रहे हैं, यानी कोलगेट से लेके सब कुछ, ऑयल एंड गैस, उसको भी तो रिप्लेस करना है, तो वो भी हम लोग अपने गांव में कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ फायदा हो सकता है सैटरडे सेशंस का, लेकिन इसके लिए कुछ आचार संहिता है, कुछ नियम है जो हम, जिसका पालन हमें करना है, सबको करना है। सबसे पहला, इट इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी, एब्सोल्युटली कंपल्सरी। मैं भी हर हफ्ते शुक्रवार को यहाँ आऊंगा या नहीं आऊंगा, हम लोग एक सेशन कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कभी भी कोई भी चूक नहीं होगी इसमें। अगर किसी वजह से मुझे, मैं नहीं रहा या मैं कुछ बिजी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता, फिर भी ये सेशन चलता रहे। दोस्तों वैसे ही आप जहां भी हो जिस गांव में, तहसील लेवल में, कंपलसरी एक बार आपने जिम्मेदारी ली ना गांव की, आप MVP बन गए ना, तो पहला काम आप एप करिए, सोचिए मत क्या बोलना है कैसे बोलना है, जो आपको पता है वो बोलिए, जो आप करना चाहते हैं वो बोलिए, उससे शुरुआत कीजिए। एक आदमी आएगा, 2 आदमी आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो मैसेज पहुंचाएंगे जिसे हम लोग पहुंचाते हैं, सिंपल व्हाट्सएप मैसेज लोगों को बोलिए और बताइए वो आप क्या करना चाहते हैं। सैटरडे सेशन आर कंपलसरी, ये कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं है, प्लीज। कल जाके आपकी कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी, सब लोगों को अच्छे पैसे दे रहे हैं आप, फिर भी आपको सैटरडे सेशन करने हैं। अभी जिंदगी भर हफ्ते में एक बार वो प्रार्थना करनी है, हफ्ते में एक बार हमारे लोगों के लिए
वो प्रार्थना करनी है, बस वो प्रार्थना यानी सैटरडे सेशन है वो एब्सोल्युटली कंपलसरी है, और कोई भी इसमें कोई एक्सेप्शन या कंसेशन नहीं है। यानी आपका गांव सिर्फ 500 लोगों का है, पहाड़ के ऊपर है, समुद्र के नहीं, कुछ भी नहीं। आज हमारे यहाँ 5,500 हम लोग तहसील बोर्ड की एग्जाम में बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वहां हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, तो हर तहसील में वो होगा। हर ग्राम पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत कैसी भी हो, हर ग्राम पंचायत के हमारे उद्योजक इसको करेंगे, 100% करेंगे, आपको कंपलसरी करना है। और ये अगर नहीं हुआ तो हम भी उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा काम किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, इनके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं कि वो सब लोग जो हमारे भरोसे बैठे हैं उनके लिए कर रहे हैं ना, जो हमारे किसान हैं वहां, गांव वाले हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कर रहे हैं। अरे आप नहीं काम करोगे तो फिर उनको कैसे हम लोग कैटर करेंगे। तो आपको कंपलसरी सैटरडे सेशन करना है और ये बताना है, अगर आप नहीं करते हो तो फिर हमें उनको लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे ही आप काम करिए, ये सैटरडे सेशन, ये प्रार्थना, हर हफ्ते की प्रार्थना, दुनिया के लिए प्रार्थना, हमारे देश के लिए प्रार्थना, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना, हमारे आने वाली इस पीढ़ी के लिए प्रार्थना, ये बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि इस सैटरडे सेशन का आप सही अर्थ मीनिंग आप समझोगे। आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप कभी भी अपने जो सीनियर्स है उनको पूछिए, लेकिन ये कंपलसरी कीजिए। आप जब भी आपने चालू की ये अपना सफर एज ए उद्योजक, पहला काम ये करिए, जैसे होता है आप करिए, लेकिन 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप अपना रिजल्ट देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू श्याम सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग MCL। आई थिंक MCL के इतिहास में ये जो सेशन हुआ आज का, वो अपने आप में एक अलग और क्रांतिकारी विचार था। एक छोटी सी बात, शनिवार को अपने गांव में लोगों से परिसंवाद कीजिए, लोगों से बात करिए, एक फिक्स टाइम पे, भले सामने एक आदमी बैठा हो कि 1,000 आदमी बैठे हो, अपनी बात कहिए। गुड मॉर्निंग MCL। MCL को ब्रांड बनाने से पहले हमें अपने गांव में, अपने लोगों में अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना पड़े। ब्रांड मतलब ऑथेंटिसिटी, और वो कब आएगी, वो आएगी आपके प्रामाणिक प्रयत्न से। यस, हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, बड़ी दुनिया को अपनी अच्छाई सच्चाई दिखाने का बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, वो है हमारे शनिवार के सेशंस। जी हाँ, आज हमारे लोकमान्य तिलक जी की और चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मदिन की तिथि है, आज एक क्रांतिकारी दिन है। ये दोनों क्रांतिकारक, जहां क्रांतिकारक इस देश माने गए, तिलक जी हो या आजाद जी हो, और उनके दिन आज एक क्रांतिकारी थॉट आज श्याम सर ने हमें दिया है। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। ये सैटरडे सेशन हम हर गांव में, हर तालुका में, हमारे देश में शनिवार को होके रहेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। जी हाँ, प्राची मंडल ने आज बात की कि कैसे एडवोकेट जनाब ने एक थॉट लिया, वो थॉट आज श्याम सर के थॉट से सुसंगत था, कि एक आदमी चाहे और अपना काम नेकी से करे तो उसको लोग मिलेंगे, कारवा बनेगा, इतिहास रचेगा। और जी मत भूलिए, श्याम सर ने और एक बात कही कि अगर ये काम आपने ईमानदारी से किया तो अगले 6 महीने में जो आपका नाम, सक्सेस और पहचान आपके तालुका, जिले और गांव में बनेगी, वो पहचान इतनी बड़ी होगी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, एंड थैंक्स एवरीबॉडी अक्रॉस द नेशन, जो हमारे चैनल पार्टनर्स, हमारे MVPs, हमारे BDAs, सीनियर BDAs, प्राइम BDAs, सीनियर प्राइम BDAs,
और एवरीबॉडी एंड एंटायर एमटीएल फैमिली थैंक यू वेरी मच। मैं और एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यस आप सबको आपके देश की मिट्टी का वास्ता है और एमटीएल एसोसिएशन ही सुजलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल टू मंगेश सर। थैंक यू डॉक्टर श्याम सर। और सैटरडे सेशन जी हाँ दोस्तों, सेमिनार और सेमिनार, बस यही एक काम किया है पिछले दो दशकों से डॉक्टर श्याम सर ने, पिछले 20 सालों से अपनी बात अपना ये एमसीएल का विजन लोगों में पहुंचाने और लोगों में बनवाने के लिए श्याम सर ने सहारा लिया है सिर्फ और सिर्फ सेमिनार्स का। प्लैनेट, पीपल और प्रॉफिट, इन तीन चीजों को दिन रात मेहनत करके लोगों में पहुंचाने और एमसीएल की अलग छवि बनाने में श्याम सर का महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी इसी सच्चाई और सादगी और मेहनत से डॉक्टर श्याम सर को लोकनायक बना दिया गया है। हमारे इस लोकनायक ने लोगों से जुड़ने का महत्व और उसका सरल तरीका आज हमें इस वेबिनार में समझाया है। हैट्स ऑफ टू यू श्याम सर। मैं पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से डॉक्टर श्याम सर को धन्यवाद देता हूँ और यह प्रॉमिस करता हूँ कि यस पूरा एमसीएल परिवार आज से यह सैटरडे सेशन बिल्कुल कंडक्ट करेगा। दोस्तों आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि कृपया चैट सेक्शन में जाकर अपना महत्वपूर्ण फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, आज फिर एक बार आपने उस छोटी सी जो स्टोरी आपने बताई है, उस छोटी सी स्टोरी में बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। किस तरह से एक आदमी की सोच से शुरुआत होकर वह एक तूफान बन जाता है, इसके बारे में आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। और फिर एक बार हमें प्रेरित करने के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर लवेश जाधव सर का, जो हमेशा अपनी इन छोटी छोटी बातों से हमें प्रेरणा देते हैं और हमें काम करने के लिए हर बार मोटिवेट करते हैं। दोस्तों थैंक यू कहना चाहूंगा पूरे एमसीएल टीम का, जो दिन रात काम करके यह मिशन आगे चलाने के लिए काम करते रहते हैं। और एक शख्स जिसका अगर मैं शुक्रिया यहाँ पर अदा नहीं करूं तो यह प्रोग्राम, यह वेबिनार आधा अधूरा रह जाएगा, और वो है आप। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिलो दिमाग के साथ, पूरे अपने पूरी लगन के साथ में जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा रखा है, वो सारे आप लोग। दोस्तों एमसीएल परिवार का ये पूरा हिस्सा जो हर शुक्रवार यहाँ पर आता है और इस वेबिनार को अटेंड करता है, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दोस्तों फिर एक बार मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आप लोगों को यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना और अपने परिवार के सेहत का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर घोषित करना चाहता हूँ कि यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।